खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका क्षेत्र से है, जहां नगर पालिका के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं और नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। सफाई कर्मचारियों की माने तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिका द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का ठेका एक ठेकेदार को दिया गया है, तो ठेकेदार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने कर्मचारी लगाकर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करें। लेकिन पता चला है कि जो पिछले 5 सालों से नगर पालिका में सफाई का कार्य कर रहे हैं, उन कर्मचारियों से कुछ ही लिस्ट बनाकर ठेकेदार द्वारा पेमेंट के लिए नगर पालिका में लगा दी गई है, जिसका विरोध किया जा रहा है। तो वहीं अगर नगर पालिका द्वारा उन कर्मचारियों का पेमेंट करा जाता है या फिर उन्हें डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए रखा जाता है, तो उसका पूरा विरोध किया जाएगा और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात उनके द्वारा कही जा रही है। जसपुर से डॉक्टर गुलाब सिंह राणा के साथ प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारत मिशन के तहत नगर पालिका परिषद जसपुर द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का ठेका किसी एक कंपनी को दिया गया है, जिस कंपनी को भी इन्होंने वो कूड़ा कनेक्शन का ठेका डोर टू डोर का दिया गया, उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कर्मचारी लगाकर शहर की कूड़ा कनेक्शन करें। पर हमें सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि नगर पालिका में जो काफ़ी वर्षों से 4-5 साल से सफाई का कार्य कर रहे हैं, उन कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों की लिस्ट बनाकर यहाँ ठेकेदार द्वारा लगा दी गई है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। जब तक अगर इस प्रकार से नगर पालिका या ठेकेदार द्वारा उन सफाई के कर्मचारियों को की लिस्ट बनाकर पेमेंट कराया गया है या उनको डोर टू डोर कनेक्शन में रखा गया, तो हम उसका पूर्ण विरोध करेंगे और हड़ताल होगी, हड़ताल भी करेंगे। आज हमारा विरोध प्रदर्शन है, अगर विरोध प्रदर्शन के तहत हमारे मांग को पूरा कर दिया गया तो हम समाप्त कर देंगे, नहीं तो ये हमारा जारी रहेगा।